नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जालंधर के अलावलपुर में एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। जालंधर के पठानकोट बाईपास चौक के पास दूध से भरे टैंकर की ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। श्री कष्ट निवारण बालाजी मंदिर बाजार शेखां जालंधर, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की धर्मपत्नी और बहन हुई नतमस्तक। और अब हलचल विस्तार से। जालंधर के अलावलपुर में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां पर एक व्यक्ति का मर्डर करने के बाद उसका गला काटकर उसे जला दिया गया। मृतक की पहचान रिंका के रूप में हुई है। सूत्रों से ये भी जानकारी मिली है कि पैसे के लेन देन को लेकर ये मर्डर किया गया, तो वहीं मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम मामले की जांच कर रही है। इस मौके पर डीएसपी आदमपुर का कहना है कि वे आरोपी बहुत करीब आरोपी के पहुंच चुके हैं, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जालंधर के पठानकोट बाईपास चौक के पास दूध से भरे टैंकर की ब्रेक ना लगने की वजह से टैंकर रेड लाइट पर खड़े वाहनों के साथ टकरा गया, जिसमें 3 से 4 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है और 2 ऑटो रिक्शा भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। मिली जानकारी के अनुसार ऑटो ड्राइवर का पैर टूट गया है। इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन कार चालकों ने काफी शोर मचाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने माहौल को शांत करवाया और ड्राइवर को साथ लेकर चली गई। तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी एएसआई बलजीत सिंह ने बताया कि पठानकोट बाईपास चौक में रेड लाइट थी और लाइट पर 8 से 10 गाड़ियां खड़ी हुई थी, जिसके पीछे से एक टैंकर आया और उसमें ब्रेक नहीं लगी, जिस वजह से ये पूरी घटना पेश आई। गनीमत ये रही कि इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, 1-2 लोग घायल हुए हैं। टैंकर जालंधर पीप की ओर से आ रहा था और अमृतसर जाने वाला था। उन्होंने कहा कि टैंकर चालक पर बनती कार्रवाई की जाएगी। जालंधर से हलचल के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। इन्हें पिछो ट्रक ने हिट मारी, पिछो इस ट्रक ने, कहना मेरी ब्रेक नहीं लगी, जद के बहुत स्पीड दे विच जी, और भाजी गड्डी ना ਇਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਭਾਜੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਭਾਜੀ ਬੈਠੀ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਸਲੀ ਦੇ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਭਾਜੀ, ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਜਦਕਿ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਡਰਾਈਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਜੀ ਇਕੱਲਾ ਸੀਗੇ, 2 ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਭਾਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਰਹੀ। ਮਾਮਲੇ ਆ ਵੀ ਲੈਟ ਹੋਈ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕੇਂਟਰ ਆਇਆ, ਤੇਜ਼ ਸੀ ਵੈਸੇ ਕੰਮ, ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ, ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ श्री कष्ट निवारण बालाजी मंदिर बाजार शेखां जालंधर, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की धर्मपत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर और बहन मनप्रीत कौर नतमस्तक होने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने भगवान राम लला के समक्ष माथा टेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर मंदिर के मुख्य पुजारी और मुख्य संचालक विधायक रमन अरोड़ा ने माता की चुनरी देकर उन्हें सम्मानित भी किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे जहां पर अपने निजी दौरे पर आई हैं और शरबत के भल्ले की अरदास करने के लिए यहाँ पहुंची है। इस मौके पर जालंधर से आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार पवन कुमार टिन्नू, रॉबिन सांपला सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। दरख्तों की शांत बह लिया, उन्होंने झंडा कोई नहीं,
ना उन्होंने जलंधर दियाँ प्रॉब्लम का पता है। मैं जलंधर के सारे मुहल्लों का गलियों का ज्ञान है। मैं इतने जमया, मैं इतने पढ़िया, इतने पढ़िया, इतने जो समस्यावान उन्होंने हल करने आप इतने सारे आए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार है, काम कर रही है, तो आप काम करने वास्ते सारे इकट्ठे होइए। ये तो प्रवासी आ, प्रवासी पंछी आते होंगे ना, आके उड़ जाते, उन्हें उडारी मार जाए। सो उडारी मारने वाले ने कुछ नहीं देना इतने, असं इतने के वसनीक हैं, इतने रहकर सेवा करनी। बाला जी महाराज का आशीर्वाद लिया जी, तो सरबत दे भले की अरदास की है, परमात्मा पंजाब को इदा ही खुशहाल बनाई रखे, तंदुरुस्तियां बख्शे सारे परिवारों की अरदास की है जी। देखो जी परिवार नाल ही है उन्होंने, सीएम साहब के मेहनत करना साडे परिवार का काम है। डिप्टी कमिश्नर कपूरथला अमित पांचाल ने फगवाड़ा की दाना मंडी का दौरा कर फसल की खरीद व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अनुपमा कलेर और एसडीएम फगवाड़ा भी मौजूद रहे। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर कपूरथला अमित पांचाल ने प्रबंधन का जायजा लिया और कहा कि सरकार और प्रशासन की ओर से मंडियों में पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि इसके साथ साथ प्रशासन द्वारा फसल खरीद एवं उठान का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। जमींदारों को फसल भुगतान के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि फसल का भुगतान जमींदारों के खातों में भी हो रहा है और मंडियों में बारदाना की कोई समस्या नहीं है। तो वहीं एसडीएम फगवाड़ा जशनजीत सिंह, मार्केट कमेटी के चेयरमैन तविंदर राम ने कहा कि मंडियों में प्रशासन द्वारा किए गए सभी प्रबंधों को माननीय डिप्टी कमिश्नर कपूरथला अमित पांचाल ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने माननीय डिप्टी कमिश्नर कपूरथला अमित पांचाल का फगवाड़ा मंडी में आने के लिए धन्यवाद भी किया। जो वीट की खरीद का सीजन है वो शुरू हो चुका है और साडे वालों सारे इंतजाम है जो पूरे मुकम्मल ने, बहुत सुचिजे ढंग नाल सारी प्रक्रिया नू नेपरे चाड़िया जा रहा है। सारे प्रबंध जो पुख्ता ने, समय से लिफ्टिंग भी हो रही है, समय से परचेज हो रही है। नाल दी नाल मैं काफ़ी जो जमींदार भरा इतने आए ने मंडी के, उन्होंने नाल भी मैं गलबात की है, वो भी काफ़ी संतुष्ट ने सारे प्रबंधा नाल। मैं यही भरोसा दवाता कि बड़े सही तरीके नाल सुचिजे ढंग नाल सारी प्रक्रिया हो रही है और किसी किस्म की भी कोई दिक्कत नहीं है। अमृतसर लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी मैदान में उतर गई है, जिसके आधार पर वे अपना अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमृतसर से कांग्रेस उम्मीदवार गुरजीत सिंह ओजला के चुनाव प्रचार को लेकर महिला सेल की ओर से लवल्टी चौक में गुरजीत सिंह ओजला के हक में प्रचार शुरू किया गया। इस मौके पर महिला सेल के साथ गुरजीत सिंह ओजला की धर्मपत्नी अंदलिंब कौर ओजला भी मौजूद रही। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुरजीत सिंह ओजला, जिन्हें आपने पहले भी दो बार चुनकर संसद में भेजा था और आप उनके कार्यों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, उन्हें लगता है कि इस बार भी उन्होंने शहर और आपके लिए क्या किया, ये बात मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अब अपने दिल की सुनेंगे और गुरजीत सिंह ओजला को चुनकर दोबारा संसद भेजेंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं सारे अमृतसर दे शहर वासियों को यही कहूँगी कि गुरजीत सिंह औजला जिहड़े कि तुसी पहला भी दो बार चुन के पार्लीमेंट भेजे ने और उन्होंने कम्मां तो तुसी पली भांति वाकफकार हो और मैनू ये दसन की कोई मैनू लगता कि लोड़ नहीं इत्थे कि उन्होंने की किया शहर वास्ते। तो इस बार फिर अपने दिल की सुनोगे तो औजला चुनोगे तो उन्होंने दोबारा तो पार्लीमेंट में भेजोगे भारी बहुमत नाल जता के। सिख धर्म के नौवें गुरु श्री हरगोविंद साहिब की जयंती के अवसर पर पंच प्यारों के नेतृत्व में श्री अकाल तख्त साहिब से एक विशाल नगर कीर्तन शुरू किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री अकाल तख्त साहिब के अतिरिक्त प्रमुख ग्रंथी ज्ञानी मलकित सिंह और दमदमी टकसाल के प्रमुख बाबा हरनाम सिंह ने कहा कि 29 अप्रैल को श्री गुरु तेग बहादुर जी की जयंती देश विदेशों में रहने वाले सिख संगतों की ओर
गुरु का महल में बड़ी श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पंच प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन का आयोजन किया गया है, जो कि कल सुबह गुरुद्वारा गुरु का महल में जाकर संपन्न होगा, जहां पर श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले जाएंगे और शाम को दीपमाला पर आतिशबाजी की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज धर्म की चादर दीन दुखी दे रखवाले धर्म रक्षक धन धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी के पावन प्रकाश अवतार गुरपुरब न समर्पित नगर कीर्तन जलूस श्री अकाल तख्त साहिब जी तो इस वक्त आरंभ होने जा रहे हैं और श्री अमृतसर साहिब जी की धरती में यह सन्मान प्राप्त है कि 10 सतगुरु साहबाना विचों केवल 9वें पातशाह धन सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ऐसे सतगुरु हैं जिन्हों का अवतार श्री अमृतसर साहिब जी विखे होया और गुरु के महलों दे अस्थान से पिता धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी माता नानकी साहिब जी के ग्रह विखे सतगुरु जी ने धर्म की रक्षा लिए अवतार धारण किया है। अज साहिब सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े को समर्पित श्री अकाल तख्त साहब जी तो पंच प्यारे साहबान जी की अगवाई के गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया हेठ नगर कीर्तन सजाया जा रहा है, जो शहर के वक् वक् बाजारा तो होंदा होया गुरु के महल विखे जी समाप्ति होगी। सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी माँ त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सर्वप्रथम मां त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया। इसके बाद भजन गायक विजय कोड़ा ने मां भगवती के भजनों का गुणगान किया। इस अवसर पर वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, रमन शर्मा, राजू शर्मा, सुनील अरोड़ा, पवन मेहता, दामन मेहता, अरुण वर्मा, मुनीश शर्मा, सीमा गल्होत्रा, भूषण कोहली सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। दर्शन तो है गौरी नंदन शिव के दुलारे, भरी सभा में तेरे बच्चे आशुकारे, ओ भरी सभा में तेरे बच्चे आशुकारे। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर मथुरा नगर सोढ़ल रोड जालंधर में 8 दिवसीय 37वां जन जागृति संगीतमय संत सम्मेलन एवं श्रीमद् भगवत कथा महायज्ञ का आयोजन महत शिया शरणदास महाराज की अध्यक्षता में किया जा रहा है, जिसके 5वें दिन कथावाचक पंडित रामदेव मिश्रा द्वारा व्यासपीठ से कथा कर उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर महंत पवन कुमार दास पट्टी वाले विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर असंख्य भक्त जन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। पहले जो चूल्हा होता था उसमें लकड़ी जलाते थे तो वो गर्म होके वो मिट्टी बड़ी स्वादिष्ट बन जाती थी, लेकिन हर समय नहीं खाई जाती थी, इस समय मन करता था खाने, वो बच्चे को लगती है, बच्चा भी इससे पौष्टिकता प्राप्त करता है। अब मैया ने क्यों नहीं लगाते ने माटी खाई, मैया ने कहा नहीं ऐसे नहीं बताएगा, डंडा लाओ, डंडा लेकर कब बताओ माटी खाई, भगवान बोले क्यों मार रही हो, नाम भक्त दवान सभ्य सर्वे मिथ्याचना, मैंने माटी नहीं खाई। भैया ने कहा धन सुखा मन सुखा सब बोल रहे हैं, भगवान ने कहा सर्वे मिथ्या प्रशंसिना,
ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ये सब झूठ बोल रहे हैं और आप ही सत्यनारायण हो ना। भगवान बोले हाँ हम ही सत्यनारायण। मैया ने कहा तुम्हारी सत्यनारायण गिरी तो बाद में निकालेंगे, अभी बताओ मिट्टी खाई कि नहीं खाई। भले भगवान रोने लगे यदि सत्य गिरत रही समक्षम पश्चिमी मुखम, अगर तुम्हें मैं सत्यनारायण नहीं लग रहा हूं कोई दूसरा लग रहा हूं तो मेरे मुख में देख लो ना। श्री गौरी शंकर मंदिर ग्रीन एवेन्यू जालंधर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन श्री देवकी नंदन दास गोकुल वालों ने कथा कर उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन किया। इस मौके पर पंडित राजकुमार तिवारी, मनोज शास्त्री, दविंदर शर्मा, मनोहर लाल, रमेश शर्मा, तेज कुमार, लकी हरिओम, कुलजीत सिंह सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। तो वेद व्यास जी महाराज जिनका आश्रम है बद्रीनाथ धाम में, उनके आश्रम का नाम है शम्य प्रास। तो अपने आश्रम से निकल करके वेद व्यास जी महाराज जा पहुंचे बद्रीनाथ सिमर नारायण जो हैं, बद्रीनारायण जहां पे विराजित हैं वहां जाकर के वेद व्यास जी ने अपने गुरुदेव देवश्री नारद को पुकारा और देवश्री नारद जी वहां प्रकट हो गए। अपने गुरुदेव के चरण प्रणाम किया तो देवश्री नारद जी कहते हैं व्यास जी आपने मुझे याद किया। तो वेद व्यास जी कहते हैं हे गुरुदेव मैंने इतने ग्रंथ लिखने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिली। तो देवसी नारद जी कहते हैं वेद व्यास जी आपने जो ग्रंथ लिखे हैं जरा मुझे विस्तार से बताइए। तो वेद व्यास जी कहते हैं दुनिया के लोग चाहते हैं कि हमारी कामनाएं जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाएं, तो मैंने उनके लिए वो ग्रंथ लिख दिए। दुनिया के लोग चाहते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा मिल जाए, तो मैंने अर्थशास्त्र लिख दिए। नमो के सारे पाप मिटे जाएंगे राम आएंगे, नमो के सारे पाप मिटे जाएंगे राम आएंगे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। जालंधर के अलावलपुर में एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। जालंधर के पठानकोट बाईपास चौक के पास दूध से भरे टैंकर की ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त। श्री कष्ट निवारण बालाजी मंदिर बाजार शेखा जालंधर, मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान की धर्मपत्नी और बहन हुई नतमस्तक। इसी के साथ अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार।